हम अपने अगले सवाल की तरफ आते हैं शेख साहब अगला सवाल है असल वरम्ला बरकता शेख मेरा एक सवाल है अगर जब रास्ते में हम चलते हैं या हमें कोई ठोकर लग जाती है रात में कोई बिस्तर से गिर जाते हैं हम तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं ये दो सवाल किए हैं इन्होंने इसमें कि अगर रात चलते हुए अचानक से ठोकर लग जाए गिर गए या फिर ये सोए हुए हैं बिस्तर से गिर गए क्या ये कोइंसिडेंस है या फिर कोई भूत वगैरह से नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं ये कहना चाह आदमी को ठोकर लगती है उसके ना देखने की वजह से भी जरूरी नहीं है कि हमेशा एक ही सबब हो लेकिन आदमी जब सोचने लगता है खौफ करने लगता है किसी चीज़ में डूब जाता है तो उसका दहन पहले वहीं जाता है हम वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भूत से जिनों से इतना ज़्यादा अपने आप को डराने की कोशिश और अपनी लाइफ को ऐसी ना बना लें कि छींक भी आए ज़ुकाम भी हो जाए शायद जिनकी वजह से हुआ होगा अगर कोई हमारे नादानी की वजह से हमारे कम तजर्बे की वजह से हमारे कुछ गलत करने की वजह से कुछ नुकसान उठा लेते हैं हम या बिजनेस में कुछ लॉस आता है तो लोग ले जाकर उसको जादू से जोड़ देते हैं जिन से जोड़ देते हैं ये एक गलती है दूसरी तरफ गलती यह है कि इसका इनकार क्या आता है बाद ऐसा मुमकिन है क्योंकि जिन की जो सिरिश्त है वो आग से तो जिन तो शरारत करना चाहेगा वो कभी मुमकिन है कि वो आपको ठोकर लगाए वो कभी आपको ढकल दे जैसा कि अबू बकर अल जज़ज़ायरी ने एक वाक़ा ख़ुद उनके अपने ख़ानदान का एक बच्ची ने गर्म पानी फेंका अब जब हम गर्म पानी फेंकते हैं तो अक्सर हम बस्मिल्ल कह नहीं फेंकते तो नतीजा क्या निकलता है वहाँ पर अगर कोई जिन हो और उस पर वो गर्म पानी पड़ जाता है तो फिर वो बदला लेते हैं इंतकाम के तौर पर नतीजे में फिर उसको ढकलना घर में तकलीफ़ देना ये मुमकिन है पॉजिबिलिटी है लेकिन हर मसले को हर वाक़े को ले जाकर जिनों से और जादू से जोड़ देने से फिर वही ख़ुराफा का सिलसिला शुरू होगा फिर वो वहम वो फोबिया तो पॉजिबिलिटी है तो आप हमेशा दुआएँ अल्लाह का जिक्र करने की वजह से जिन आपके करीब आते नहीं जैसा कि मा क़राम लिखते हैं कि कुछ ऐसे ईमान वाले लोग हैं उनसे तो उल्टा जिन और शैतान डर के भागते हैं जैसा कि उमरद्ला के बारे में नबी अक्रमल्म ने इर्शाद वर्मा सई बुखारी की रिवायत है फजाइल में कि तुम वो हो कि जब तुम एक रास्ता लेते हो तो शैतान अपना रास्ता बदल देता है इबन तम रहमत लाई के बारे में आता है कि जब उनको पता चलता कि किसी को जिन सता रहा है तो इबन तमर रहमतल्ला कहते थे जाओ उससे जाकर कहो इबन तय आ रहे हैं इलाज करने के लिए तो खाली नाम सुनकर ही उसके बाद वो भाग क्योंकि दुआ कैसी पढ़ने वाले हैं उस दुआ से फिर क्या होगा डर के भाग जाते थे एक मरतबा का वाक़ा है कि इबन तय रहमत ला जाकर दुआ पढ़ रहे हैं उस जिन ने क्या कहा मैं जाता हूँ तुम्हारे डर से इब्न तय रहमत लाई ने कहा रुको मेरे डर से नहीं अल्लाह के डर से जाओ जाते आते मेरा खिदा खराब कर रहे हो क्या यानी कितनी बैलेंस बात है इसमें कि मोमिन से भी डरते हैं तो उसकी जात से नहीं मोमिन के अंदर जो ईमान है उस ईमान का ताल्लुक किससे अल्लाह से, अल्ला 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 से. तो अल्लाह की मखलूक अल्लाह सुबहान तला से डरे यही हमारा बेस होना चाहिए यही हमारी सोच होनी चाहिए जजाकल्ला शेख साहब मुझे पूरा यकीन है कि आपके इन बातों से हमारे नाजरन फ़ायदा उठाएँगे क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं ये एक ऐसा टॉपिक है बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं बहुत सारे लोग हैं खौफ ज़दा हैं और उन्हें इस बारे में आपने बताया कि इंसान अशफुल अशफुलमखलूक़ात है सबको पता है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो डरते रहते हैं जिनका अकीदा कुरान मजीद पर है उन्हें अल्लाह के सिवा किसी और से डरने की ज़रूरत नहीं है हम इस गुफ्तु को जारी रखते हैं लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है शेख साहब हमें यकीन है कि हमारे नाजरन को इन जवाब से बहुत फ़ायदा मिला होगा हम आगे इस पर चर्चा करते इस पर गुफगू करते लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है